हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बर्डिंग मॉम्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको फिलिप्स एवेंट के मैनुअल ब्रेस्ट पंप के बारे में बताने जा रही हूँ। इस ब्रेस्ट पंप को मैंने काफ़ी बार यूज़ किया है और उसके बाद ही मैं आज इसका रिव्यू देने जा रही हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि ब्रेस्ट पंप की रिक्वायरमेंट हमें क्यों होती है। ब्रेस्ट पंप की रिक्वायरमेंट हमें बहुत सारी कंडीशंस में हो जाती है। डिलीवरी के तुरंत बाद ही ऐसा होता है कि बहुत बार बच्चे जो है वो मदर फीड पे नहीं आते हैं या उनको लैचिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है, तो ऐसे में वो बोतल से हमें उनको फीड कराना पड़ता है। तो उस समय अगर आपके पास ब्रेस्ट पंप होता है तो आप अपने मिल्क को एक्सप्रेस करके उसको स्टोर बोतल में स्टोर करके बच्चे को फीड करा सकते हैं। दूसरी रिक्वायरमेंट फ्रेंड्स तब होती है अगर आप वर्किंग वूमेन हैं, तो ऐसे में कुछ टाइम के बाद आपको अपना जब ऑफिस रिज्यूम करना है तो उस टाइम अगर आपके पास ये ब्रेस्ट पंप है तो आप अपने मिल्क को बोतल में स्टोर करके बच्चे को पिला सकते हैं, ताकि जो भी घर में बच्चे की देखभाल कर रहा हो तो वो आपका स्टोर किया हुआ मिल्क बच्चे को पिलाए। और अगर आप हाउसवाइफ भी हैं उस टाइम भी इसकी रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। कभी कभी इमरजेंसी में हमें घर से बाहर 1 या 2 घंटे के लिए जाना पड़ता है, और अभी कोविड के टाइम पे हर कोई चाहेगा कि बच्चे को कम से कम बाहर हम लेके जाएं और हम खुद भी बाहर कम जाएं, पर कभी कभी इमरजेंसी में जब जाना पड़ता है तो ऐसे में अगर आपके पास ये ब्रेस्ट पंप है तो आप मिल्क एक्सप्रेस करके इसको स्टोर कर सकते हैं बोतल में और बच्चे को फीड जो भी घर पे अवेलेबल होगा बच्चे को फीड करा सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स कभी कभी ऐसा होता है कि शुरुआत में जब बच्चे फीड करना सीखते हैं तो कुछ रीजंस की वजह से मदर के जो निप्पल है वो क्रैक हो जाते हैं, तो वो बहुत पेनफुल होता है। ऐसे में हम बच्चे को डायरेक्ट फीड नहीं करा सकते, तो उस टाइम भी अगर आपके पास ब्रेस्ट पंप है तो आप मिल्क उसमें स्टोर करके बच्चे को फीड करा सकते हैं। तो या फिर कभी आप ट्रैवल कर रहे हैं उस टाइम पे भी हम इस प्रोडक्ट का यूज़ करके बोतल में स्टोर करके बच्चे को दूध पिला सकते हैं। तो इससे बहुत बार ऐसी सिचुएशन से हम बच जाते हैं जहाँ हमें फॉर्मूला मिल्क बच्चे को पिलाना पड़ता है, तो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए ये पंप आपके पास ज़रूर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस प्रोडक्ट को मैंने डिसअसेंबल कर लिया है, अब इसके एक एक पार्ट को हम असेंबल करेंगे। ये है मिल्क स्टोरेज बोतल, ये 125 ml की है, और ये है पंप बॉडी। इसमें यहाँ पे हम डायफ्राम को पहले प्लेस करेंगे, ये इस तरीके से लगा दिया है। ये इसका हैंडल है, ये इसका हैंडल लग गया है। ये है मसाज कुशन, ये जो सिलिकॉन की शील्ड है इसको हम इस पे लगाएंगे, और आप अच्छे से इसको प्रेस करके देख लेना ताकि इन दो पार्ट्स के बीच में कोई एयर ना हो। और ये है इसका कवर, तो जब भी आप यूज़ नहीं कर रहे हैं ताकि इसमें कोई बैक्टीरिया ना जाए तो इस तरीके से इस पर कवर लगा सकते हैं। फ्रेंड्स ये जो पार्ट है इसमें आप देख सकते हैं 5 पेटल्स डिज़ाइन है, ये इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि जो मिल्क सिक्रेशन है वो इंक्रीज हो और मिल्क स्टिमुलेट प्रोसेस को ये बढ़ाता है। और ये नीचे जो बोतल है इसको सिंपली ऐसे लगा देना है, तो ये इस तरीके से ये ब्रेस्ट पंप पूरा असेंबल हो गया है। और इस बोतल के ऊपर बच्चे को फीड कराने के लिए ये निप्पल है, इसको आपको इस तरह से लगा के और सिंपली कवर कर देना है। तो जब आप बच्चे को फीड करा रहे हैं इस बोतल से फीड कराइए, और सिंपली बच्चे को फीड करने के बाद आप इसको इस तरीके से कैप लगा दीजिए ताकि कोई बैक्टीरिया इसमें ना जाए, और इसमें भी ये कैप है तो ये इस प्रोडक्ट की अच्छी बात है। फ्रेंड्स इस प्रोडक्ट को मैंने काफ़ी बार यूज़ किया है तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। बस 2 चीज़ों की इसमें मुझे कमी नज़र आती है, वो पहला ये कि ये सिर्फ 125 ml का है, तो 3 या 4 महीने के जब बच्चे हो जाते हैं तो उनकी मिल्क रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है, तो उसके लिए 125 ml जो मिल्क बोतल है 125 ml की है तो ये छोटी पड़ जाती है। तो ये अगर बोतल थोड़ी बड़ी होती तो अच्छा रहता, पर हाँ इवेंट के फिलिप्स इवेंट के जो बोतल इसमें बड़े साइज़ में भी आते हैं और वो इसके साथ इस कैप के साथ लग जाते हैं, तो वो लेकिन हमें सेपरेटली ख़रीदना पड़ता है। और दूसरा जब हम पंप करते हैं तो उस टाइम ये कट कट की आवाज़ आती है इसमें, ये तो फ्रेंड्स बस ये आवाज़ थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती है। अगर ये आवाज़ नहीं आती तो
और भी अच्छा रहता, बट ये कोई बड़ी बात है नहीं, मतलब इट्स ओके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो फिलिप्स सेवेंट का ब्रेस्ट पंप है, इसको आपको सिंपली बस इस तरीके से ब्रेस्ट पे रखना है और इस तरीके से प्रेस करना है, तो मिल्क जो है वो इस पर स्टोर हो जाएगा, और स्टोर होने के बाद आप इस तरह से लगा के रख सकते हैं। तो आप इस प्रोडक्ट को चेकआउट कर सकते हैं। ये है मैनुअल ब्रेस्ट पंप, और मार्केट में इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप भी आते हैं। ये मैंने 2-2.5 साल पहले खरीदा था, तो इसका प्राइस अराउंड 3000 के करीब था। जो इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप आता है फिलिप्स सेवेंट का, वो 8000 प्लस का आता है, तो प्राइस डिफरेंस दोनों में बहुत ज़्यादा है। बट डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है और किन चीज़ों और कौन कौन सी कंडीशन में हमें इसको यूज़ करना पड़ता है, वो मैंने आपको बता दिया है। तो आई थिंक कि आप इसको ले सकते हैं और ये बहुत अच्छा है। और मार्केट में इस तरह के भी ब्रेस्ट पंप आते हैं फ्रेंड्स। ये जो ब्रेस्ट पंप है ये है पिजन ब्रांड का, और ये मुझे हॉस्पिटल में दिया गया था, मुझे इसकी ज़रूरत पड़ गई थी। जैसा कि आपको पता है आजकल न्यूबॉर्न बेबीज़ में जॉन्डिस बहुत कॉमन है, तो ऐसे में अगर जॉन्डिस का लेवल हाई है तो डॉक्टर्स बच्चों को फोटोथेरेपी में रखते हैं, और उस दौरान बच्चे को नीकू में रखा जाता है। तो ऐसा बहुत जगह होता है कि जो मदर है, बच्चे को स्पेशली नीकू में रखा गया है तो मदर को अलाउ नहीं होता, या कुछ टाइम के लिए ही ओनली फॉर ब्रेस्ट फीडिंग के लिए एक्सेस दिया जाता है, और कभी कभी कुछ हॉस्पिटल्स में वो भी नहीं दिया जाता और वहाँ पे बच्चों को टॉप फीड कराया जाता है। तो ऐसे में अगर आपके पास ये ब्रेस्ट पंप है तो आप इसको इस तरीके से रख के इसको प्रेस करके मिल्क को स्टोर कर सकते हैं, अपने मिल्क को स्टोर कर सकते हैं, और बच्चे को किसी स्टेरिलाइज कंटेनर में वो स्टोरेज मिल्क दे सकते हैं, ताकि जो नर्स है वो बच्चे को वहाँ पे फीड कराए, और ऐसे में आपको बच्चे को टॉप फीड देने से की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इन दोनों में फ्रेंड्स ये डिफरेंस है कि ये सिर्फ मिल्क स्टोरेज के पर्पज़ के लिए काम आता है, और इसमें हम मिल्क स्टोर करने के साथ साथ बच्चे को डायरेक्टली से फीड भी करा सकते हैं। प्लस इसमें यहाँ पे भी कवर है, बोतल के लिए भी अलग से इसमें कवर दिया गया है, तो इसका ये फ़ायदा है। प्लस इसका जो यूज़ है, एक और फ्रेंड, कुछ मदर्स को जो मिल्क है वो बहुत एक्सेस अमाउंट में होता है, तो ऐसे में जब बच्चे को हम एक तरफ से फीड कराते हैं तो दूसरी तरफ मिल्क लीक होता है, तो ऐसे में कपड़े ख़राब हो जाते हैं या फिर वो बेसिकली वेस्ट हो रहा होता है मिल्क। तो आप सिंपली इस तरह से रख के जो मिल्क की ड्रॉप है वो इसमें स्टोर हो जाएगी, तो आप बाद में बच्चे को इस मिल्क को पिला सकते हैं। तो ये इसका प्राइस कुछ 450 या 500 के बीच में ही आता है, बट इसका यूज़ ओनली फॉर द स्टोरेज पर्पस होता है। इसी हिसाब से, ब्रेस्ट के हिसाब से इसका आगे का डिज़ाइन किया गया, ताकि आप सिंपली इस तरह से रख के इसको प्रेस करें और मिल्क स्टोर कर लें। ये इसमें 110 ml तक मिल्क स्टोर हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये था फिलिप्स सेवेंट का मैनुअल ब्रेस्ट पंप के बारे में। अगर आपको इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप का एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि मैनुअल ब्रेस्ट पंप से ये कैसे डिफरेंट है, और ताकि जो लोग इसको देख रहे हो उनको कुछ हेल्प मिल सके। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर करें। इस प्रोडक्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मदर और बेबी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।